वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान टीवी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप दोस्तों को हमारा चैनल पाकिस्तान टीवी पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपके मोबाइल और लैपटॉप के स्क्रीन पर शो हो सके। वो वक़्त दूर नहीं जब रोबोट इंसानों के साथ शाना बशाना हर काम करेंगे। समंदरों में बेशुमार राज पोशीदा होते हैं और इनको मंजर आम पर पेश करने के लिए पिछले कई सदियों से माहिरीन इस कोशिश में लगे हुए हैं। हाल ही में साइंसदानों ने समंदरों में छुपे राजों पर से पर्दा उठाने के लिए रिपोर्ट तैयार किए हैं। समंदर में ख़जानों की तलाश के लिए तैयार की गई रिपोर्ट का नाम ओशन वन रखा गया है। इस रिपोर्ट को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है। इसकी मदद से चंद रोज़ कबल किंग लुईस 14 लालूने का 350 साल पुराना समंदर बर्द होने वाले ख़जाने को तलाश किया गया है। माहिरीन के मुताबिक इस ख़जाने को शुमाली फ्रांस के इलाके टोलन से दरियाफ्त किया गया है। यह ख़जाना 1664 में समंदर बर्द हुआ था। ओशन वन रोबोट्स के दो हाथ, मुंह और एक पांव है, जिसके साथ रोबोट्स को पानी में आगे धकेलने वाले पंखे नफ्स किए गए हैं। यह रोबोट मुकम्मल तौर पर वाटरप्रूफ है और पानी में आगे धकेलने वाले पंखे मोटराइज हैं। इसको रिमोट के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल रूम में इस रोबोट का कंट्रोलिंग यूनिट जॉयस्टिक की मदद से इसको कंट्रोल करता है। साइंसदानों का कहना है कि यह रोबोट खुदकार अंदाज में भी काम कर सकता है और अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर कर सकता है। ये गहरे पानी में बआसानी जा सकता है और हसास कैमरों की मदद से ज़ेरे समंदर मनाजर की फिल्म कशी करने की सलाहियत भी रखता है। ख़जाने तलाश करने के अलावा समंदर में मौजूद तेल की कुएं की मरम्मत, गहरे पानियों में मौजूद इंटरनेट केबल की मरम्मत वगैरह जैसे दीगर मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो बआसानी आपकी खिदमत तक पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।